ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ यहाँ पे देखना है। बच्चे लोग बहुत कम आ रहे हैं, लग रहा है कि इसको भी आता है कि हम लोग बिना परीक्षा के पास हो जाएंगे, है ना। चलो कोई नहीं, डेली प्रार्थना करिए और डेली जो है भगवान पे प्रसाद चढ़ाइए, शायद आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, बिना पढ़े पास हो जाए, बिना कुछ किए नौकरी लग जाए, नहीं बिना खाए पेट भर जाए, है कि नहीं। ठीक है, बिना खरीदे कपड़ा मिल जाए और क्या चाहिए, है कि नहीं। फ्री फीस तो ऐसे है। है तो ध्यान देते हैं, समझते हैं। नहीं ऐसा है, होता है और रहना भी चाहिए। हम जिस मूर्ख गवर्नमेंट को चूज करते हैं, जिन बेवकूफों के भरोसे दुनिया चल रही है, मतलब दुनिया का मतलब जो हमारा देश है या हमारा जो राज्य है, कुछ हो सकता है लेकिन बिना खाए पेट कैसे भर जाएगा। अरे वो कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। बिना मारे बच्चा रोता है कि नहीं रोता है। कुछ भी हो सकता है, अब तो हमको नहीं लगता है कुछ भी कि ऐसा कोई चीज है जो कि अनसर्टेन है कि कुछ नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया। सोचो कि इतना डेवलपमेंट के बावजूद अगर लोग इतने बेवकूफ बन गए, तो 1900 फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो आवाज धीरे आ रहा है सर। सर क्या सर 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 वॉइस नहीं आ रहा, नहीं लगता आवाज जा रहा। ना जा रहा ना आ रहा। ला कॉल करो कोई सरकार का। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा। देखो इस तरह से छोड़ो सर, जो बना वाले बोर्ड पर चुपचाप बनाओ।
अभी सर को कॉल किया अभिजीत। आवाज आ रही है आप? यस सर। ओके ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्रुथ आपको मिलना है, यहाँ पे देखना है किस तरह से कैसे रहता है। ये सॉकेट ऑफ द जा बोन है, सॉकेट ऑफ द जा बोन। ये सॉकेट ऑफ द जा बोन। ठीक है, इसको और लॉन्ग भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप लॉन्ग भी कर सकते हैं इस तरह से और लॉन्ग कर सकते हैं आप। बहुत मैं एक ही कास्ट है सर। क्या इसमें इसमें एक ही दिख रहा है? क्या एक ही दिख रहा है? कास्प सर। क्या एक ही कास्प दिख रहा है ना? हाँ, तो एक ही कास्प, अगर कास्प आप ज्यादा दिखाना चाहो तो ज्यादा दिखा सकते हैं इस तरह से, ऐसे कर सकते हो। इस तरह से हो गया, तो ये इस तरह से अगर अगर कस दिखा दिया तो ये हो जाएगा किसका? इंसाइजर का पार्ट हो जाएगा, या इसको हम प्री मोलर मान सकते हैं क्योंकि प्री मोलर में है इस तरह से। ठीक है, इंसाइजर और कैनाइन में कितना कस होता है? इंसाइजर में होता है थ्री टू फोर कस हो गए, और कैनाइन में कस्प नहीं होता है, वो कॉनिकल ऊपर की ओर होता है। कस्प का मतलब धसा हुआ, और उभरा पोर्शन, एक ही उभरा पोर्शन उसमें होता है। ठीक है, और यहां पे इस तरह से मैं यहां पे दे देता हूं ऐसे करके एक स्ट्रक्चर सीमेंटम, सीमेंटम। सीमेंटम और इसमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर डाल देते हैं, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर पूरी तरह से बोन से अगर ये अटैच हो जाएगा ना तो आपकी दांत कभी नहीं टूटेगी। ठीक है, लेकिन चूंकि ये मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन रहता है, इस कारण से आप दांतों को
क्या करते हैं, आसानी से खींच लेते हैं। लेकिन ये जो सीमेंट है ये काफी कड़ापन देता है, काफी स्ट्रांगली इसको जो है वो पक्का ग्रिप करके रखता है। इस कारण से जब हिलाते हैं या तोड़ते हैं तो आवाज होती है कुछ दांतों में। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। तो अगर हम टीथ को देखें तो इसके नीचे एक पार्ट है, एक और नीचे इसके एक और पार्ट है। ठीक है, इसके नीचे एक और पार्ट है, इसमें भरा हुआ रहेगा फ्लूड। इस फ्लूड को आप पल्प बोल देते हैं और इस पल्प में ही पास करता है ब्लड वेसल्स, इसी में रहते हैं, पास किया हुआ रहता है और ये नीचे की ओर आएगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो है इसी में पास किया हुआ रहता है, ब्लड वेसल्स वगैरह इसी में रहेंगे। न्यूट्रिएंट का सप्लाई पल्प तक रहता है। इवन इसमें आपको जो है नर्व सेल भी मिलेंगे, नर्व सप्लाई भी होगा, नर्व सप्लाई भी इसी में होता है, नर्व सप्लाई। तो ब्लड और नर्व सप्लाई पल्प तक सीमित है इस तरह से। दिख रहा है, क्लियर है सभी व्यू? यस। चलिए, तो एक्सटर्नली जो स्थित है उसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये जो एक्सपोज पोर्शन है, एक्सपोज एरिया, जो पोर्शन आपको दिख रहा है बाहर से, विजुअल पार्ट ऑफ द टूथ, विजुअल पार्ट ऑफ द टूथ जो वाइट शाइनिंग स्ट्रक्चर कंटेन करता है, इस वाइट शाइनिंग पोर्शन को बोलते हैं क्राउन। और द पार्ट ऑफ द टूथ विच एम्बेडेड इन द गम, जो गम में एम्बेडेड पोर्शन है इसको कहते हैं नेक रूट, और हाँ नेक बोलते हैं। ठीक है, जो गम में एम्बेडेड है उसको नेक बोलते हैं। और डीप सॉकेट ऑफ द जॉ बोन में जो अटैच है उसको कहते क्या है, रूट, रूट। हाँ, तो थ्री पार्ट हो गए किसके, एक्सटर्नली हो गया टूथ का। अब कौन कौन से कौन पार्ट है, तो ये जो विजुअल वाइट शाइनिंग पार्ट है दिस इज द इनामेल, इनामेल ऑफ द टूथ। एंड बिलो द इनामेल आइवोरी लाइक सब्सटेंस, हार्ड सब्सटेंस, या दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द टूथ, डेंटाइन, है ना, मेन पार्ट ऑफ द टूथ जिसको हम कह सकते हैं डेंटाइन, डेंटाइन। और ये है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस इज द पल्प कैविटी एंड कंटेनिंग इन साइड इट फ्लूड, न्यूट्रिटिव फ्लूड है, इस न्यूट्रिटिव फ्लूड को कहेंगे, और दे कैन कंटेनिंग द ब्लड वेसल्स एंड नर्व, ब्लड वेसल्स एंड नर्व। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज द सीमेंटम, जो हार्ड स्ट्रक्चर है सीमेंटम, एंड दिस इज द मेम्ब्रेनस पार्ट, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द बोनी सॉकेट, बोनी सॉकेट। ठीक है, बोनी सॉकेट ऑफ द जावन हो गया। तो इसी को बारी बारी से हमें नोट कर लेना है कि कौन क्या पार्ट है। ओके, बना लिया आपने, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, बन गया? साइड ओइंस सर, इधर साइड वाला बता दीजिए, क्राउन और रूट वाला। ये जो आपका टीथ वाला पोर्शन जो दिख रहा है, वाइट शाइनिंग पोर्शन जो बाहर से दिख रहा है, व्हिच इज कॉल्ड द क्राउन, विजुअल पार्ट ऑफ द टीथ इज क्राउन, द पार्ट ऑफ द टीथ व्हिच एम्बेडेड इन द गम, जो गम में है, मसूड़े में एम्बेडेड है, उसको नेक बोलते हैं। और डीप सॉकेट ऑफ द जॉ बोन में जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज द रूट। ठीक है, तो क्राउन वाले पोर्शन में बेसिकली क्या है, इनामेल है, इंटरनली देखोगे तो डेंटाइन है, और देखेंगे तो पल्प है, और उसके नीचे फिर देखोगे तो नेक वाला एरिया, बस इतना ही बात होती है ना,
The part of the tooth which located between crown and root, root and crown के बीच में है उस portion को बस neck बोलते हैं। ठीक है? तो otherwise जो में क्या? गम नहीं बनाए। गम नहीं, ओ गम का representation नहीं किया हुआ है। So actually this part is the gum. इस part को represent करोगे तो ये हो जाएगा gum. ठीक है, ये रेड वाला एरिया जो लाइनिंग वाला है, दिस इज द गम। हाँ, ये रेड वाला लाइनिंग जो है वो गम से हो गया। यस सर। चलिए तो बारी बारी से नोट करते हैं। ओके तो मैं इधर मिटा देता हूँ ये वाला पोर्शन, ताकि कुछ जगह मिल जाए लिखने को। तो नोट करेंगे, ए टूथ हैज थ्री पार्ट, है ना, थ्री पार्ट हैं। कौन कौन है? बारी बारी से कर लो, बारी बारी से। पहले रूट की बात कर लेते हैं, रूट की बात करते हैं, है ना। क्या होगा? इट इज द बेसल, नीचे का है। इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द टूथ, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द टूथ एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ द जाबोन, एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ द जाबोन। ठीक है, अब ये किससे कवर्ड है तो ध्यान देना है। इट इज कवर्ड बाय, किससे कवर्ड है? सीमेंट। इट इज कवर्ड बाय सीमेंटम एंड पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। ठीक है? यस सर। आगे, बेस ऑफ द रूट, बेस ऑफ द रूट हैज नैरो पल्प कैनाल, ये वाला हैज नैरो पल्प कैनाल, फॉर पैसेज ऑफ, न्यूट्रिएंट, इन पल्प, पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स। ठीक है, दिख रहा है? लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? ऊपर मैं मिटा देता हूँ, मैं मिटा नहीं रहा हूँ फिगर को, ताकि आप देखो तो ज्यादा समझ में आए कि किसकी क्या बातें हो रही है। ठीक है, परमानेंट टीथ में तो पासेस बंद ना हो जाता है। हाँ, तो वही यहाँ पे करेंगे। पल्प कैनाल इज नियरली क्लोज्ड, है ना, नियरली क्लोज्ड एज अ रिजल्ट, ह्यूमन टीथ, डू नॉट,
आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। तो ये बातें हो गई क्लियर कंप्लीट जो पढ़ा था हमने। रूट वाला पोर्शन हो गया, अभी बात करेंगे इसके ऊपर नेक। नेक तो बहुत ज्यादा है नहीं, है ना? क्या कहेंगे? इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ टीथ इनसाइड द गम। हाँ, इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ टूथ। ठीक है, मिडिल पार्ट ऑफ टूथ कवर्ड विद गम। और गम्स को क्या बोलते हैं? जीन जीभा बोलते हैं। ठीक है, जीन जीभा बोलते हैं। ठीक है, गम कैसा होता है मालूम सर? वीडियो ब्लर। उसका तो मैं नहीं कुछ कह सकता। ठीक है सर, देखने लायक है। देखने लायक है, दिखिए नहीं रहा। तो इधर तो ठीक ही चल रहा है। ठीक है, तो गम गम इज पेल पिंक, हल्का गुलाबी जैसा रहता है मालूम। पेल पिंक, यस सर। और किसी किसी का नहीं देखते हो काला जैसा रहता है, स्टीपल्ड जिसको कहते हैं, एंड स्टीपल्ड इन अपीयरेंस। और किसी किसी का कैरेटिनाइज भी रहता है। ठीक है, तो पेल पिंक हल्का पिंक जैसा रहता है या और सिंपल रहता है, हल्का सा ब्लैकिश जैसा भी रहता है किसी किसी का। सर गम्स और क्या लिखे? गम इज पेल पिंक एंड सिंपल्ड इन अपीयरेंस, सिंपल कवर्ड विद गम के बाद सर। हाँ, कवर्ड विद गम्स और जिंजीभा। गम्स को और क्या कहेंगे? जिंजीभा। गम्स का अनदर नेम क्या है? जिंजीभा। क्या मतलब क्या हुआ? लल्ला गम्स का दूसरा नाम क्या? नाम है ना? हाँ, साइंटिफिक नेम है सर। नाम दे, साइंटिफिक नेम नहीं रहता, ये जानवर थोड़ी है। हो गया, साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म का होता है ना, साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म का होगा ना। यस, चलिए इसके बाद बात करेंगे किसका? क्रॉन का। ठीक है, क्या कहेंगे? द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ, है ना? द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड क्राउन। एक्सपोज पार्ट ऑफ द टूथ को कहते हैं क्राउन। अब क्राउन किससे कवर्ड है? इनेमल। क्राउन इज कवर्ड बाय वाइट शाइनिंग मटेरियल कॉल्ड इनेमल।
इनामल से कवर्ड है, ठीक है, इनामल से कवर्ड है। अब थोड़ा इसकी डिटेलिंग आएगी, इनामल से कहो कैसे तो समझना पड़ेगा। इनामल क्या है? इनामल इज द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस, मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, या मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी ज्यादा बेटर है, ठीक है सर। एनिमल में भी तो होता है? हाँ, सारे एनिमल में इनामल नहीं रहता, ध्यान रखना, सारे एनिमल में इनामल नहीं मिलता है। जैसे एक होता है ना स्लॉथ बियर, तो yes, उसमें टीथ जो है वो इनामल नहीं होता उसमें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनामल किससे बना होता है। इनामल इनामल इज सेक्रेटेड बाय एक स्पेशल सेल है, सेक्रेटेड बाय इक्टोडर्मल सेल, सेक्रेटेड बाय इक्टोडर्मल सेल कॉल्ड, बताओ जरा क्या नाम है, बताओ बताओ, एमीलो ब्लास्ट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एमीलो ब्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है सर? एलएल इनामेल डेंटाइन के ये जो लेयर है, ये जो लेयर है इनामेल वाला जो खत्म होगा उसमें आपको प्रेजेंट रहेगा, यानी इसके ऊपर में ये वाला जो लेयर है ये डेंटाइन का, ये ओडोंटोब्लास्ट लेयर है, यहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट रहेगा इसके नीचे, और इसके ऊपर में रहेगा एमीलोब्लास्ट, है ना, लोअर साइड में ओडोंटोब्लास्ट और ऊपर में एमीलोब्लास्ट जो इनामल सेक्रेट करेगा और नीचे से ये बनाएगा डेंटाइन, ओके हाँ, ओडोंटोब्लास्ट टीथ को बनाएगा, हाँ, तो ध्यान देंगे। अब ये इसके नीचे की बात करते हैं, बिलो द इनामेल, सॉरी बिलो द इनामेल हार्ड आइवोरी मतलब होता है हाथी के दांत जैसा कड़ा, है ना, आइवोरी लाइक बिलो द इनामेल हार्ड आइवोरी लाइक स्ट्रक्चर is present called dentine। दो तीन पॉइंट और है, dentine, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, अब शॉर्टकट कर लेते हैं। dentine forming major part of tooth and it is secreted, ठीक है, कहां से secrete हो रहा है, secreted by
कौन सा सेल है? ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट। अब इसके अंदर पल्प प्रेजेंट है, बिल इसके बिलो में प्रेजेंट है, थोड़ा सा उसको कर लेते हैं। बिलो डेंटाइन पल्प कैविटी इज प्रेजेंट वेयर ब्लड वेसल्स या ब्लड सप्लाई बोल सकते हैं, ब्लड सप्लाई यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई आर रेस्ट्रिक्टेड। यहीं तक सीमित है, दैट्स ऑल। अब इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि हम अभी इसमें पढ़ने वाले हैं डेंटल कैरी पढ़ने वाले हैं, डेंटल केयर पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा। ठीक है, टीथ का कोई वर्क है क्या, कोई काम है टीथ का? सबको पता है? यस, चीविंग ऑफ फूड। हाँ बिल्कुल, टीथ का इतना ही काम नहीं, बिना दांत के आदमी को देखो कैसा दिखता है। टीथ का अगर आपको चबाने का ही काम है, देता बिना दांत के आदमी को, हाँ, एक जो फेस का अपीयरेंस है वो भी टीथ पे डिपेंड करता है। दांत फ्लैट हो, मतलब मसूड़े और दांत आपको फ्लैट हो तो चेहरा चपटा दिखेगा, नहीं देखे हो, देखो ना जी। और अगर किसी के जबड़ा बाहर आ जाता है, हाँ, जबड़े अगर ज्यादा कर्व हो तो टीथ बाहर की ओर भी दिखता है ना। तो आपके फेस का जो अपीयरेंस है वो भी जो है किस पे, जबड़े पे और टीथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप स्मार्ट दिखते हैं अगर आपके टीथ का जो अरेंजमेंट है डेंटिशन वो अगर सही है तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो आइए थोड़ा पढ़ते हैं, टॉपिक हमारा अभी आगे बढ़ेगा, डेंटल कैरी। ठीक है, डेंटल कैरीज क्या होता है मालूम? जब भी बीकिंग ऑफ टूथ, कोई सुगरी फूड आप खाते हो और दांतों की सफाई ठीक से नहीं होती तो सरफेस पे सुगरी फूड के कारण बहुत सारे माउथ में बैक्टीरिया भी होते हैं और वो बैक्टीरिया जो है वो सुगरी फूड पे एक्शन करके लैक्टिक एसिड बनाना शुरू करता है और वो एसिड जो है वो इनामेल को डिजोल्व करना शुरू करता है। तो जब इनामेल को डिजोल्व करना शुरू करेगा तो इनामेल धीरे धीरे लूज होता चला जाता है और इस तरह से ये बना देता क्या है, कैविटी इन द टूथ, कैविटी इन द टूथ बाय डिसोल्यूशन ऑफ द इनामेल। यहां तक अगर है तब तो रिकवरी हो भी जाता है। अगर ये यहां से आगे डेंटाइन को लूज करना शुरू किया तो डेंटाइन को जब लूज करना शुरू करेगा और पल्प तक जब पहुंचेगा तो ब्लीडिंग और पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो कंडीशन बन रहा है डिसोल्यूशन और इनामेल के कारण, दिस इज द डेंटल कैरी एंड डेंटल कैरीज इज कॉज बाय अ बैक्टीरियम। क्या कहते हैं, कौन सा बैक्टीरियम है? स्ट्रेप्टो
स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट म्यूटेंट स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट बैक्टीरिया, ठीक है, इस कारण से बनता है। इसके बाद अगर आप डेंटल प्लाक की बात करते हैं तो दांत के ऊपर में जब इरेगुलर ब्रशिंग करते हैं तो दांतों के ऊपर मसूड़ों के ऊपर में एलोइस जो लेयर बन जाता है, एलोइस डार्क लेयर जो बन जाता है, वो जो एलोइस डार्क लेयर है, ये एलोइस डार्क लेयर को क्या कहते हैं, डेंटल प्लाक, डेंटल प्लेक, प्लाक प्लाक डेंटल प्लाक बोलते हैं। अभी जो डेंटल प्लाक है इसके नीचे देखो हमारा जो सलाइवा है वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है, लेकिन प्लाक के नीचे बैक्टीरिया जब छिप जाते हैं तो आसानी से वो हमारे इनेमल को क्या करेगा, नुकसान करता रहेगा। और इस कारण से क्या होता है कि जो गम ग्रीप है, ये गम ग्रीप लूज हो जाता है, और गम ग्रीप लूज होता है तो आपके जो सीथ है वो हिलने डुलने लगते हैं और वो क्या होता है अपने जगह से डिसलोकेट हो जाता है और टूट भी जाता है। अरे बात समझ में, ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं डेंटल कैरिस को। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, है ना, लिख सकते हो द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन टूथ बाय डिसॉल्विंग इनामेल थ्रू द एक्शन ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड बाय a bacterium produced by a bacterium bacterium is called क्या होगा, dental caries। ये tooth cavity बनने को ही क्या कहते हैं, dental caries कहते हैं। क्यों हुआ, ये definition में आपको लगभग मिल गया है कि cavity बनना टूथ में क्यों बनना, तो इनामेल की डिसॉल्व होने से, कैसे, तो एक्शन ऑफ एसिड प्रोड्यूस बाय ए बैक्टीरिया। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। डेंटल कैरी इज कॉल्ड बाय, आवाज आ रही है ना, called by a bacterium, called by a bacterium named, क्या नाम है उसका, नाम क्या है, Streptococcus mutans म्यूटेंट। डेंटल कैरीज इज के बाद क्या लिखें, इज कॉल्ड बाय, कॉल्ड बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड अ स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट। चलिए आई बात समझ में, कब क्या होने वाला है। मिटा दो ऊपर, म्यूटेंस है सर, म्यूटेंस, हाँ, MUTANS, म्यूटेंस मैं देखा क्या, यस, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे डेंटल प्लाक, डेंटल प्लाक तो बताया आपको, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस सुगरी फूड मटेरियल से होता है। हाँ हाँ, आगे इसमें लिख देते हैं उसको,
द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय डार्क लेयर है ना, द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय डार्क लेयर ओवर द इनामिल एंड गम ड्यू टू irregular brushing of tooth is called dental plaque. Dental plaque. ठीक है, तो एलॉयस डार्क लेयर का फॉर्मेशन होता है, बोलो डेंटल प्लेक ही चेंज होके ना फिर डेंटल कैरीज में हो जाता है। हाँ चलिए, डेंटल प्लाक बना तो क्या होता है समझिए। इसके नीचे मैं लिख देता हूं, बिलो द प्लाक बैक्टीरिया एक्टिंग अपॉन सुगरी फूड एंड फॉर्मिंग लैक्टिक एसिड विच लीड्स टू डिजॉल्विंग या डिजॉल्विंग ऑफ टूथ इनामल एंड ऑल्सो लीड्स टू टूथ फॉलिंग, दांत भी टूटता है गिरता है। अब बाकी समझ गए होगे इसके बीच में क्या मैटर हो गया। अरे एक बार इनामल हट गया दवा वापस नहीं ना आएगा, होता है रिपेयरिंग होता है, लेकिन सही समय रहने पर रिपेयरिंग होता है। सर दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एक्टिंग अपॉन के बाद एक्टिंग अपॉन सुगरी फूड एंड फॉर्मिंग लैक्टिक एसिड व्हिच लीड्स टू डिसॉल्विंग टूथ इनामल एंड ऑल्सो, यहाँ पे ऑल्सो कर देते हैं, एंड ऑल्सो लीड्स टू टूथ फॉलिंग। ठीक है चलिए, बता दो ऊपर। यस, अब आगे हम पढ़ेंगे, हम यहाँ पे सीखते हैं डेंटल केयर कैसे करोगे। डेंटल केयर हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे बात आती है using soft bristles brush using good quality of toothpaste. गुड क्वालिटी ऑफ टूथपेस्ट, अब तुमको जो अच्छा लगता है उसको गुड क्वालिटी हम कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो गुड क्वालिटी हो गया।
इसके बाद अवॉइड ईटिंग, अवॉइड ईटिंग एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड फूड स्टफ्स. हॉट एंड कोल्ड फूड स्टफ्स, एकदम जो बहुत ज्यादा गर्म खान लिया मुंह में ऐसे ऐसे होना शुरू हो गया तो ये नहीं, पैसा ना लिया कि बहुत ज्यादा सर से मान लगा तो बिल्कुल नहीं, सेंसिटिविटी आ सकती है. ठीक है, और क्या, ब्रशिंग रेगुलरली द टूथ, ब्रशिंग द टूथ रेगुलरली एंड ट्वाइस अ डे, है ना. ट्वाइस अ डे समझ गए हो, कब, मॉर्निंग और नाइट बिफोर गो टू द बेड. ठीक है, आप करते हैं सर कि जागने से पहले सोने के बाद. हाँ बोलो, क्या कह रहे हो. बोल रहा था आप करते हैं, तेरी बात समझ हो रहा है, जो वरदान देगा ओकरे पहले राव माता पर हाथ धर के देख दे जरा. नहीं हम सिखा रहे हैं तो जरूर करते हैं, कभी कभी छूट जाता है लेकिन कोशिश रहता है कि छूटे नहीं, क्या समझे. अब पहले बचपन की बात कहो तो एक ही बात कह के निकल लेते थे, इतना बड़ा हाथी दाते नहीं धोता है, हाँ मुंह धोते चले. ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, दांत नहीं रहेगा तो फिर आंत जो है बहुत परेशान हो जाएगा. बात समझ में आता है ना. यस, अच्छा से डाइजेस्ट नहीं चबाओगे तो ठीक, हाँ ठीक से नहीं चबाओगे तो ठीक से डाइजेशन नहीं होगा. तो दांत का काम आंत को नहीं देना है. ठीक है, जिसका जो काम है उसको वो काम करने देना है. तो तिथ काफी अच्छी तरीके से आपका हो गया कंप्लीट, कोई डॉट है नहीं इसमें. ठीक है, कोई कोई अपना जबड़ा बाहर निकाल लेता है वो कैसे, कौन जबड़ा पता है ना, बुजुर्ग वो अपना निकाल लेता है पूरा बगल कैविटी वाला. अरे वो लगाता है ना एक्स्ट्रा, वो जो जबड़ा उसका लगाया जाता है ऊपर से लगाया जाता है जिसके दांत, हाँ जिसके दांत बिल्कुल भी नहीं है, जड़ गए हैं, खराब हो चुके हैं, तो उनको लगता है बनावटी दांत. ठीक है, हमारे यहाँ एक शिक्षक थे, बुढ़ापे में उनके दांत वो फैनी तंबाकू खाने से पूरा का पूरा उनका दांत खराब हो गया, पान वगैरह खाने से, तो वे बाद में बुढ़ापे में उन्होंने दांत लगाया और दांत जो है थोड़ा ज्यादा जो है कर्व कर दिया था तो सेट नहीं कर पाता और ऑकवर्ड लगता है ना, शुरुआत में ऑकवर्ड भी लगता है. ठीक है, और वो देखते थे कि दांत निकाल लिया पूरा, उसके बाद ब्रश कर दिया फिर लगा लिया, कितना अच्छा. यस सर, पूरा दांत निकाल के बाहर ले आया और धो रहा है ऐसे कर लिया, तो सेटिंग होता है उसमें बहुत परेशानी है, जब बहुत प्रॉब्लम हो जाए तभी कुछ ऐसा करना चाहिए शौक से नहीं. ओके, कोई दिक्कत है. कलम हम लोग पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड बकल कैविटी, जब पूरी तरह सलाइवरी ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगा इसोफेगस तक आ जाएंगे. ठीक है, नहीं नहीं बकल कैविटी कंप्लीट करने के बाद बनाएंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, उसके बाद फैरिंग्स इसोफेगस सिस्टम को करेंगे. ठीक है, ठीक
इस वीक में अगर लगातार क्लास चल गया तो फिर आप लोग का जो है काफी आगे निकल जाएगा, ठीक है। हेलो, कन्हैया